उत्तर प्रदेश की मिट्टी से नाइट्रोजन गायब हो रहा है और सोना उगाने वाली जमीन बंजर होने के कगार पर है। आपको बता दें कि हर प्रकार की फसलों का सबसे अहम पोषक तत्व तो नाइट्रोजन प्रदेश की मिट्टी से गायब हो रहा है। कृषि विभाग की मृदा परीक्षण रिपोर्ट के नतीजे बता रहे हैं कि खेत बंजर होने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले को छोड़कर अन्य सभी जगह मिट्टी में जीवांश नाइट्रोजन और कार्बन अपने न्यूनतम स्तर पर पाया गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। कृषि विभाग ने 2017 से 19 के बीच में सूबे के 75 जिलों के खेतों की जांच कराई है। मिट्टी के कुल 1,72,41,000 नमूने लिए गए। इसकी रिपोर्ट में केवल श्रावस्ती की मिट्टी में ही जीवांश कार्बन और नाइट्रोजन औसत स्तर पर मिला है। कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ खेती के लिए इसे बेहद चिंताजनक स्थिति मान रहे हैं। अगर जीवांश कार्बन कम होगा तो पौधे की रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की क्षमता घट जाएगी, मतलब एनपीके खाद भी नाइट्रोजन की कमी से फसलों को नहीं बचा पाएगी। इसका मुख्य कारण है कि मिट्टी का एक तो सही रखरखाव ना करना और मिट्टी से अत्यधिक दोहन करना, लगातार एक के बाद दूसरी फसल, दूसरी का तीसरी फसल। पहले एक हमारी पद्धति थी जिसमें हम खेत को खाली छोड़ दिया करते थे कुछ टाइम के लिए। अभी भी जैसे अगर कोई मनुष्य थकता है तो उसे रिलैक्स करने के लिए हम उसको बोलते हैं, कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक दो और फिर काम चालू करना, तो वही चीज़ खेत के संग भी है। मृदा में जीवांश कार्बन की स्थिति हम सामान्य कर दें तो खेत और खेती दोनों का भला होगा। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हरी खाद और गोबर खाद का उपयोग किया जाए, भूमि की उर्वरा शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। जब हमारा अप्रैल में गेहूं की फसल कटती है तो उस टाइम पर हम हरी फसल अगर हम लेते हैं तो इससे हमारी जो नाइट्रोजन का जो स्तर जो लो जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा उससे। इसके साथ ही हमारी जो देशी खादें हैं, जैसे जितने भी कंपोस्ट हैं, नेडअप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या अन्य जो मटेरियल से कंपोस्टिंग करके बनाते हैं खाद, अगर हम अपनी जो हमारी रासायनिक उर्वरक हैं उनके साथ साथ अगर हम इनका भी प्रयोग करते हैं तो इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में, उसकी गुणवत्ता में, मिट्टी की संरचना में सुधार आएगा, जो कि बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। उपजाऊ मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में फास्फोरस और पोटेशियम की भी कई जिलों में कमी मिली है। प्रदेश में शाहजहांपुर, मेरठ, मैनपुरी, बरेली सहित करीब 1.5 दर्जन जिलों में फास्फोरस भी न्यूनतम स्तर पर पाया गया है। मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में पोटेशियम की भी कमी पाई गई है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पोटाश की कमी से हल्की सी हवा चलने पर फसल गिर जाएगी। देखिए, शाहजहांपुर की मिट्टी में नाइट्रोजन के सिवा एक पोटाश की भी बहुत अत्यधिक कमी आ रही है और इसकी तरफ किसान ध्यान नहीं दे रहा है, और इसके ना होने से पोटाश तत्व के कम होने के कारण फसल में जो परेशानियां आती हैं वो ये हैं कि अगर हल्की सी भी हवा चली तो फसल गिर जाएगी, जो उसमें पानी का जो आवागमन है पौधे के अंदर वो हमारा इससे प्रभावित होता है अगर हमारे खेत में पोटाश की कमी है। तो इसलिए आप जब भी बाकी खाद जित मात्रा में ले रहे हैं पोटाश खाद का भी ध्यान रखें, और मार्केट में हमारे उपलब्ध हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एनपीके के जो हमारे कॉम्बिनेशन आते हैं खाद के, आप उनका इस्तेमाल करें, वो सही विकल्प है। फिलहाल प्रदेश में खेतों की दुर्दशा के लिए किसानों के साथ साथ सरकार भी दोषी है, लेकिन अगर हम अपने खेतों की सेहत सही रखना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा।